जिला मंडी में पिछले कल कंट्रोल रूम मंडी से सूचना प्राप्त हुई कि शमक्षेत्र में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू मार दिया है। जिस सूचना पर पुलिस आरक्षी श्यामलाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पाया गया, जिसे इलाज हेतु पुलिस टीम ने मंडी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर उतक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पूछताछ पर उतक घायल व्यक्ति का नाम जीतराम पुत्र भागीरथ निवासी सुहड़ा मोहल्ला तहसील सदर जिला मंडी पाया गया है, जिसका इलाज मंडी में चल रहा है। जीतराम के दाहिने बाजू में चाकू से काफी चोट लगी है। जिस व्यक्ति ने जीतराम को चाकू मारा, उतक व्यक्ति को भी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पकड़ लिया है। आगामी कार्यवाही की जा रही है। आरोपी का नाम नितिन कुमार पुत्र राम प्रकाश निवासी सुड़ा मोहल्ला जिला मंडी बताया जा रहा है। इस घटना का कारण शराब के नशे में होना बताया गया है। पिछले कल शाम 5 बजे के आसपास कंट्रोल रूम मंडी से पुलिस शहर चौकी सिटी में इंफॉर्मेशन मिली थी कि समखेतर में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू से चोट पहुंचा दी है। जिस सूचना पर पुलिस चौकी शहर से मुख्य आरक्षी श्यामलाल पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां पे संजीवनी अस्पताल के पास एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था, जिसे इलाज के लिए जोनल अस्पताल मंडी में एडमिट करवाया गया, जिसको दाहिने बाजू में काफी चोट लगी हुई थी। जिसको चोट लगी थी उसका नाम जीत कुमार पाया गया है, जो सुड़ा मोहल्ले का निवासी है, तथा जिसने चोट पहुंचाई है उसका नाम नितिन कुमार है। बाद में पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया है। इसमें मामला दर्ज कर लिया गया और मामले की तफ्तीश जारी है। आज आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा।